किसी औरत ने दो उमरे कर लिए, तीसरे उमरे का इरादा था, जुहर के वक्त हैज का खून आ गया, गोलियां खाई, बंद हो गया, फिर तवाफ़ किया, इबादत वगैरह की, पाँच दिन बाद फिर खून आ, बिल्कुल दम लाजिम है। ये थोड़ा है कि कैद आ जाए फौरन गोली खा के बंद कर लो, गोलियां पहले खाओ कि ना आए, आ गया है तो आ गया है। मेरा भाई माजूर है, बिल्कुल उसके लिए आप उम्रा कर सकते हैं। एक शख्स की पहली बीवी से औलाद नहीं है, कुछ जायदाद बीवी के नाम मुंतकिल कर रखी है, दूसरी बीवी से औलाद है, तो वो शख्स अब कहता है कि जायदाद वापस कर दो, अगर उसने खुद दी है तो फिर वापस नहीं ले सकता, अगर ज़बरदस्ती धोखे से ली गई है वापस ले सकता है। मैं मास्टर हूँ, बच्चों को पढ़ाते हुए कि अल्लाह हर जगह मौजूद है इल्म के साथ, वह हुआ माकुम ऐना माकुम, वो तुम्हारे साथ हैं तुम चाहे कहीं भी हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हजूर ने फरमाया था अबू बकर से कि क्यों खौफ करते हो, मा ज़न्नु कभी इस नहीं नहीं अल्लाह सालिसुहुमा, इसी तरह इन्नल्लाह माना, तो वो मैयत इल्म है। एहराम के बस की सीट पर थोड़ी देर माथा रखा, दम नहीं वाजिब होता। फर्द नमाज के रुकू के बाद दोनों सीजों के बाद दुआएं जो हदीस में हैं वो पढ़ सकते हैं, अपनी दुआएं नहीं पढ़ सकते। मौलाना तारिक जमील साहब को अल्लाह सीयत आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मस्जिद आयशा से भी उमरा अफजल है, जरा सब सब अफजल है, वालदा बीमार है, अल्लाह शिफाता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह जाए खैर ता फरमाए। काबे के खिलाफ को हाथ लगाना चूमना मना है। जंगे बदर के मकाम पे आबे शिफा है, हमने तो नहीं सुना। कदा नमाज किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी वक्त अदा करें। मोबाइल पर वीडियो गेम खेलना नाजायज़ है, कबूतर वगैरह रखना जायज़ है, लेकिन उनका ख्याल रखना पड़ेगा उनके हकूक़ का। आर्टिफिशियल लेने जो ज्वेलरी की है या अंगूठी, वो औरत पहन सकती है, लूहे की ना हो। बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज न पढ़ा करें, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अफजल यही है कि इमाम जो है उसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक हो। 18 आज़ादी के मदरसे के मुदर्रिस कारी साहब बीमार, अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमाए। अगर उमरा कर लिया है दोनों ने, अपने बाल नहीं कटवाए, दूसरे के काट दिए, कोई बात नहीं। किसी आदमी से कोई चीज़ खरीदी, बकाया रकम देनी थी, उस आदमी का पता नहीं, खैरात कर दो। हजरत अली के नारे हैदरी के जवाब में या अली कहना शिर्क है, नारा हैदरी तो कोई है ही नहीं, नारे तकबीर है। आदमी ने भैंस खरीदी, मुकर रकम में से भैंस की बीमारी के 20 साल पहले रियायत की थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद बेचने वाले ने कहा कि अब मैं रियायत नहीं करता, अगर सौदे के वक्त रियायत की थी, गवाह मौजूद है, फिर रियायत हो गई। नमाज जनाजा के बाद जो लोग हाथ उठा के दुआ करते हैं वो बिदअत है। शादी के बाद 2 साल बाद बीवी का इंतकाल हो गया, एक बेटा है, बीवी को पता नहीं क्या मिला था, उसका हकदार शौहर है, बीवी की जहीज का हकदार शौहर नहीं है। वो यार मेरी बहन है, उनकी लड़की है, उनको लड़का अल्लाह पाक औलाद नरीना भी अता फरमाए। मेरे 4 बेटे हैं, घर में परेशानी रहती है, लाहौर ज़्यादा पढ़ा करो। 60 साल की औरत के लिए उम्र का महरम ज़रूरी, आजकल तो ज़रूरी है, देखा नहीं 70 साल वाली कलर लगा रही है, बालों की डाई करवा रही है, बाकायदा बिल्कुल आजकल कोई एतबार नहीं। उम्र के बाद औरत बाल कटवाना भूल जाए तो दम पड़ जाएगी, अगर ना कटाए तो लाजमन पहले बाल तो कटाओ ना, जब तक बाल नहीं कटाएगी गलती पे दम पड़ती रहेगी।
चार पांच औरतों के साथ गैर मान लड़की की उम्र के लिए जा सकती है, जा सकती है, लेकिन इस दौर में एतबार नहीं है। घर के कमरों के दरवाजों को रंग के मामले में कि फुला रंग करो, मेरे शौहर बात नहीं मानी तो कोई बात, आप मान लें, उसे नहीं मानी तुम मान जाओ, या दरवाजे तकसीम कर लो, एक को वो कर ले एक को आप कर ले। देहातों में नमाज जुमा नहीं होती, उसके लिए शाल चाहिए, क्योंकि हुक्म है कि अपनी बैशरा छोड़ दो, तो बैशरा देहात में तो नहीं होती ना, उसके लिए तो बाजार चाहिए ना। आने में दिल्ली से आने में हवाई जहाज लेट हो गया, वालदा बहन बीवी ने मताब से एराम बांधा, नहीं बांधा मक्का चमिका से, यहाँ आकर मस्जिद ऐशा तेरा बिल्कुल दम पड़ गई और मीकात की उम्र भी रह गया। फ़ोन पे अगर किसी ने तलाक दी वो तलाक हो जाती है, फ़ोन पे निकाह नहीं होता, तलाक तो हो जाती है। मर्द रात का एहराम समंदर में बहाने का क्या, क्यों बहाएं, तुम्हारी कपड़े की जीत है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी गरीब को दे दो। और एहराम को नाप की पीछे बांधना बिल्कुल जायज़ है, जैसे भी बांधो जायज़ है। दबाव के दौरान काबे की तरह मुंह हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आमदन न करो। मताब में बहुत रश हो, तवाफ को लेट कर से यहाँ कर सकते हैं, और कोई बयान वगैरह सुना बिल्कुल सुन सकते हैं। ताइफ से वापसी में उमरा ना करे तो दम पड़ जाएगी, जाके दोबारा एहराम बांध के आए। होटल से एहराम बांध के उमरा नहीं होता। एहराम की हालत में मैंने काबे के खिलाफ का बोसल जो हो गया अंदर आने, और राधे नरीना के लिए सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। एक लड़की का दिमाग थोड़ा है, उसको दम दम पिलाएं इसी नीयत से। 27 रजब के कोई फजा हदीस मुबारक में नहीं आए, किसी की हिदायत के लिए तवाब बिल्कुल कर सकते हैं, जायज हाजत पूरी करने के लिए तवाब बिल्कुल कर सकते हैं, तवाफ के दौरान इस्तलाम भूल जाए कुछ नहीं होता। तवाफ में रश में आदमी की नवाजी के आगे गुजरे मजबूरी है तो जायज़ है, बीवी ना फरमाने अल्लाह हिदायत दे। भाइयों की शादी के लिए सूरत अर्रहमान पढ़ के दुआ किया करें। एहराम की हालत में गैर महरम औरत को छेड़ा, तौबा करो, इस्तगफार करो। एहराम के बाद पाँव की हड्डी छुपा दी, बाद में खोल दी, कोई हर्ज नहीं। औरत को बुलंद आवाज़ में तिलावत करना मना है।